आरडीटीएम का फोर्थ एडिशन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। हमारे साथ में एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आरडीटीएम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए और कई लोग हैं जो अभी फॉरेन उस पर टूर पे हैं, क्योंकि दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान एक इवेंट होने वाला है और राजस्थान में कोई भी इवेंट होगा तो उसमें टूरिज्म एक प्रमुख अंग है, उसका एक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो उसकी क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, जो जिम्मेदारियां पर्यटन विभाग को दी गई हैं वो उन पे हम काम कर रहे हैं। जो कैसे राइजिंग राजस्थान के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्यटन क्षेत्र में ला पाएँ, इसके लिए हम अलग से भी प्री इन्वेस्टमेंट समिट हम कर रहे हैं, पर्यटन विभाग कर रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। तो पर्यटन एक डेफिनेटली एक प्रमुख, हमारी भागीदारी उसमें पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे MOU है, तो उनसे MOU की हम प्रक्रिया हमारी जारी है और कोशिश है 100 से अधिक MOU हम इसमें पर्यटन क्षेत्र में इसमें हम करें, तो उस पर हम लगातार काम जारी है। इसके अलावा जो गेस्ट यहाँ आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटक स्थलों का भ्रमण वगैरह, जो जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी है वो सब हम उस पर काम कर रहे हैं लगे हुए। सर, एक प्रमुख सवाल ये भी है, जैसे दिया कुमारी जी हैं, गृह मंत्री भी हैं और टूरिज्म मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात, दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या कुछ इन्फ्लुएंस है राजस्थान के, स्पेशली हम बात करें टूरिज़्म को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा प्रभाव राजस्थान में है और चूँकि माननीय केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान से हैं और उनका भी फोकस बहुत अच्छा राजस्थान पे है, और लगातार हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो एक बहुत ही अच्छे टीम के साथ राजस्थान को अधिक से अधिक पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम चल रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम भारत सरकार को भेज रहे हैं और वहाँ से उम्मीद है कि ऐसे प्रोजेक्ट सेंक्शन होकर आएंगे, तो वो एक फील गुड है जो जिसमें एक अच्छा काम होने की संभावना पूरी है। सर, RTDM की हम बात कर लेते हैं, फोर्थ एडिशन इसका होने जा रहा है बिड़ला ऑडिटोरियम में, 3 दिन का इवेंट है, क्या कुछ खास रहने वाला है और जो टूर ऑपरेटर्स हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री जो राजस्थान की है उसके लिए और जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ खास इसमें होगा? RDTM जो FSTR है, अभी आपने देखा कि उसके सहयोग से पर्यटन विभाग इसको प्रतिवर्ष कर रहा है, 4th edition इस बार है, और इसका मुख्य ध्येय ये है कि राजस्थान में कैसे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, अच्छा एक एक्सपीरियंस लाएँ और एक बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर टूरिज्म इंडस्ट्री को मिले राजस्थान की, उसके लिए इवेंट ये हो रहा है। और जैसा भी बताया आपने, देखा कि लगभग 200 से अधिक जो सेलर्स और बायर्स जो सर्विसेज हैं उस क्षेत्र में वो अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो B2B मीटिंग्स हैं, B2C मीटिंग्स हैं, वो सारी इसमें होंगी और अच्छे टूरिस्ट डील निकल के आएंगे टूरिज्म सेक्टर के लिए जो हमारे राजस्थान को टूरिज्म को ग्रो करें। सर, एक आखिरी सवाल है, पर्यटन पहले एक व्यवसाय कहलाता था लेकिन अब ये उद्योग बन गया है, तो जाहिर सी बात है पर्यटन का व्यवसाय करने वाले अब पर्यटन के उद्योगपति हो गए हैं, तो क्या कुछ विशेष हम कह सकते हैं कि डिफरेंस आया है व्यवसाय जब उद्योग बना तब? देखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का तात्पर्य ये है कि ये एक बिज़नेस की तरह नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट की इकोनॉमी को। तो ये उद्योग दर्जा देने के बाद हमने देखा है कि कई सारी फैसिलिटीज़ जो इस इंडस्ट्री में जो लगे हुए लोग हैं पर्यटन में, क्योंकि ये इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनको फैसिलिटी काफ़ी मिल रही है उद्योग का दर्जा देने के पश्चात। तो ये एक अच्छा निर्णय है हुआ है जो जिससे हम बहुत आगे भी हम इसको लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि RTDM का जो फोर्थ जो एडिशन है वो न सिर्फ राजस्थान के टूर ऑपरेटर्स के लिए बल्कि जो बाहर से भी आएंगे वो जब यहाँ पर आएंगे तो उनको राजस्थान क्या कुछ प्रोवाइड करेगा जिससे कि राजस्थान के इकोनॉमी में, राजस्थान के टूरिज़्म में बढ़ावा हो सके, उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ दिसंबर महीने में जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है जिसके लिए राजस्थान तैयार हो चुका है, उद्योग और उद्योगपतियों के स्वागत के लिए, राजस्थान को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, उसके लिए भी राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तैयार है और तमाम ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए जिससे राजस्थान अब आगे बढ़ सके, ना सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री
को लेकर बल्कि कई और चीज़ों को लेकर। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।